माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? वेल, आई होप सारे बच्चे फिट एंड फाइन हैं, और आप सभी का स्वागत है आपकी साइंस क्लास में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर, आज उसी से कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मुझे बताना है ये न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन की बात करें, अभी हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन की बात करें, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं? तो इससे हम लोग समझते हैं न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कि किसी एनिमल की बॉडी में कितनी किस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, कितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितने प्रोटीन्स और कितने फैट्स चाहिए। उसके बाद मोड ऑफ इनटेक, कि किस तरीके से कोई एनिमल अपनी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट पहुंचा रहा है। एंड लास्टली उसका यूटिलाइजेशन, जब वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में चला गया तो किस तरीके से यूज हो रहा है। तो ये तीनों चीजें मिलकर न्यूट्रिशन को बनाती हैं। तो न्यूट्रिशन में ये तीन चीजें आएंगी, रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिस्कस करना ह्यूमंस के बारे में, तो हम लोग ह्यूमंस में डाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करी जहां पर एक्चुअली डाइजेशन स्टार्ट होता है। आज उसी से कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग। तो भाई एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। तो बच्चों, ह्यूमंस में जो डाइजेशन होता है वो होता है एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। तो एक वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में बदलता है। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में बच्चों दो चीजों का हाथ है, वो दोनों क्या हैं? तो हमने बात करी थी लास्ट क्लास में भी कि वो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, साथ में हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जब ये दोनों आपस में जुड़ती हैं तो किसको बनाती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में आती है हमारी बकल कैविटी, जिसके बारे में हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। अगर आपने अब तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लेंगे बच्चों, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सको, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। ओके, तो बकल कैविटी है हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आता है ईसोफेगस, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक, इसका भी आज करेंगे डिस्कशन। देन वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी हम लोग किसको नेम कर रहे हैं? अभी हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। सिक्स्थ इज रेक्टम एंड लास्ट है हमारा एनस। तो हम लोग स्टमक तक डिस्कशन करेंगे बच्चों यहाँ पर। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या क्या आता है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं। तो हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड स्टार्च के डाइजेशन में मदद कर रही थी। उसके बाद आता है पैनक्रियास, तो पैनक्रियास भी एक ऐसी ग्लैंड है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। एंड यहां पर लिवर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बनता है, तो आप एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ईसोफेगस और स्टमक के बारे में। कर लेते हैं स्टार्ट। तो आप देख रहे हैं कि बकल कैविटी से अब जो हमारा फूड है वो मूव कर रहा है एक पाइप के थ्रू, और कहां पर एंटर कर रहा है? ये एंटर कर रहा है हमारे स्टमक में, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमने देखा कि बकल कैविटी में हमारा फूड, जो भी हमें करना था उसको च्यू करना था, सलाइवा को अपना काम करना था, उसमें से स्टार्च का डाइजेशन करना था, उसके बाद ये खाना भेज दिया जाता है स्टमक में एक पाइप के थ्रू,
जिसे हमने नाम दिया है ईसोफेगस, या फिर कॉमनली हम इसे किस नाम से जानते हैं, फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो फिर ये हम लोग कह सकते हैं कि फूड पाइप सिर्फ कनेक्ट कर रहा है हमारी बकल कैविटी को और हमारे स्टमक को, क्योंकि ये सिर्फ एक पाइप है और बच्चों यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। द स्वॉलोड फूड पासिस इन टू द फूड पाइप और ईसोफेगस। ईसोफेगस आप ओ से लिखा हुआ भी देख सकते हैं, ई से लिखा हुआ भी देख सकते हैं, दोनों ही स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, तो ये फूड पाइप हमारे नेक, चेस्ट, इन सब के अलोंग रन करती है और जाकर किससे मिल जाती है, हमारे स्टमक से मिल जाती है। द फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप, तो फूड पाइप की जो वॉल्स हैं वो एक्चुअली खाने को नीचे की तरफ धकेलती हैं, और इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक पाइप जो कि बिल्कुल हमारे फूड पाइप की तरह है, इधर से ये जुड़ी हुई है हमारे माउथ से और दूसरी साइड से कहाँ पर कनेक्टेड है, स्टमक में कनेक्टेड है, और ये मैंने एक छोटा सा पेपर लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने फूड पाइप के अंदर ये पेपर डाला, तो पेपर अभी बाहर नहीं आया आप देख रहे हो, तो मैं क्या करूँगी, इस पाइप को थोड़ा सा प्रेस करूँगी और पेपर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे प्रेस किया पूरे पाइप को, और मैंने देखा कि ईजिली जो मैंने पेपर डाला था वो नीचे निकल कर आ गया है। सेम हमारे फूड पाइप में भी होता है, ईसोफेगस में भी होता है, क्योंकि फूड एक ऐसे खुद से नीचे नहीं जा सकता हमारे स्टमक में, तो वॉल्स इसे नीचे की तरफ पुश करती हैं, वॉल्स एक टाइप की मूवमेंट शो करती हैं, और इस मूवमेंट की वजह से फूड स्टमक में चला जाता है। वैसे ये मूवमेंट सिर्फ हमारे ईसोफेगस में ही नहीं, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये मूवमेंट होती है, क्योंकि अब देखो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में चलती रहती है। तो मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या फिर हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं। तो हम कहेंगे कि पेरिस्टाल्सिस हो रहा है हमारे ईसोफेगस में या हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है हमारा स्टमक। तो स्टमक जो है सबसे वाइड, यानी कि वाइडेस्ट पोर्शन है बच्चों हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। अभी हम देख रहे थे हमारी बकल कैविटी छोटी सी है, फिर हमारी ईसोफेगस भी बहुत पतली सी है, लेकिन अब हम कहाँ आ गए, अब हम एक बहुत बड़े एरिया में आ गए हैं जो कि है स्टमक। कुछ ऐसा दिखता है हमारा स्टमक। अब बात करते हैं स्टमक में क्या होता है खाने का। बकल कैविटी में तो स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो गया, ईसोफेगस में कुछ नहीं हुआ, स्टमक में क्या होगा चलिए जानते हैं। तो स्टमक कैसा दिख रहा है हमें, हम लोग देख रहे हैं कि स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। क्या है, जे शेप्ड है ये, दूसरा ये है वाइडेस्ट पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। अब स्टमक का बच्चों एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में, क्योंकि स्टमक सिक्रीट करता है बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस हमारे खाने के डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन इन डाइजेस्टिव जूसेस को हम बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, और इन सब के अलग अलग फंक्शन भी हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसकी सिक्रेशंस क्या क्या होती हैं, यानी कि क्या क्या हमारी स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर म्यूकस।
म्यूकस डाइजेशन में मदद नहीं कर रहा है, ये डाइजेशन में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, यानी कि हमारे फूड को एक्चुअली ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। तो ये म्यूकस आता है वॉल से और हमारी स्टमक की लाइनिंग पे एक लेयर ऐसे बना लेता है, ठीक है। अब बताओ इसने लेयर क्यों बनाई भाई, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर एक लेयर बना ली है किसने, म्यूकस ने। क्योंकि अब हमारा स्टमक क्या सिक्रीट करने वाला है, अब ये सिक्रीट करने वाला है एक बहुत खतरनाक एसिड जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कोरोजिव होता है, ये एसिड तो किसी भी चीज को गला सकता है, तो हमारी स्टमक की वॉल्स को भी खराब कर देगा। लेकिन क्योंकि स्टमक को पता है कि उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करना है, तो अपनी लाइनिंग को बचाने के लिए उसने क्या रिलीज किया, म्यूकस रिलीज किया, और ये म्यूकस खराब नहीं होने देगा वॉल को। और उसके बाद आएगा एक डाइजेस्टिव जूस जो कि एक्चुअली फूड को ब्रेक डाउन करेगा बच्चों। ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करेगा, इसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन इसका नाम है और यह है एक डाइजेस्टिव जूस। एक बार इनके फंक्शंस भी मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। ये तीन सेक्रेशंस हैं, इन्हें ध्यान रखना है, इन तीनों के क्या क्या फंक्शन हैं ये हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आया क्या, सबसे पहले आया म्यूकस। तो म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये हमारी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से। नंबर टू हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl के नाम से भी जानते हैं बच्चों। HCl के दो काम हैं, पहला ये हमारे स्टमक के अंदर जो भी एरिया है उसको क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। तो क्या बनाएगा, ये मीडियम को एसिडिक बना रहा है और क्या कर रहा है, ये हमारे फूड में प्रेजेंट जर्म्स को मारता है। और इसी के साथ साथ जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है पेप्सिन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसे एक्टिवेट करने का काम भी करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, यहां पर हम लोग कह देंगे किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। अगर हमारे खाने के साथ कोई जर्म्स हमारी बॉडी में चले गए हैं तो उन्हें किल करने का काम करता है। दूसरा क्या करता है, एक्टिवेट्स पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, डाइजेस्टिव जूस है। अभी इसका भी फंक्शन हम लोग लिख लेते हैं। तो पेप्सिन रिलीज हुआ, पेप्सिन करता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला डाइजेस्टिव जूस है। हमने देखा था सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज किसका डाइजेशन कर रहा था, स्टार्च का कर रहा था। यहां पर होगा ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। देखो बच्चों यहां पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है, मैंने बोला है सिंपलर, थोड़े से सिंपल सब्सटेंस में उसे चेंज कर लेगा, पूरा डाइजेशन नहीं करेगा। डाइजेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, डाइजेशन कंप्लीट होगी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट में जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से जुड़ी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये स्टमक के अंदर कौन कौन से जूसेस सिक्रीट होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, इसकी वर्किंग के बारे में हमें एक एक्सीडेंट से पता लगा। जब हमारी सेंट एलेक्सिस सेंट मार्टिन को एक गन लगी, जब उनको मतलब एक गन शॉट लगा उन्हें, तो देखो द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। तो ये 1822 की बात है, जब उनको गोली लगी एलेक्सिस सेंट मार्टिन को, तो उनके
चेस्ट और उनके स्टमक को उसने पूरी तरीके से खराब कर दिया और एक होल बन गया. द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक. उनके स्टमक में होल बन गया. तो उन्हें एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास लेकर आया गया जिनका नाम था विलियम ब्यूमन. तो विलियम ब्यूमन को ये पता लगा कि इस वूंड को ठीक करना पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने जानबूझ के ये वूंड ठीक नहीं किया. किसी को नहीं पता इसके पीछे की कहानी क्या है. तो उन्होंने क्या किया, उस होल को वो प्रॉपरली बंद नहीं कर पाए और उसे बैंडेज कर ही छोड़ दिया. उसके बाद विलियम ब्यूमन ने देखा कि स्टमक में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे जूसेस उसमें से सिक्रीट हो रहे हैं. तो उनको फिर पता चला कि कितना वंडरफुली हमारा स्टमक काम कर रहा है और फूड का डाइजेशन कर रहा है. उन्होंने इन जूसेस को बाहर निकाला, बाहर डाइजेशन कर देखा चीज़ों का और कंपैरिजन किया कि हमारे स्टमक में कितनी देर में डाइजेस्ट हो रहा है, स्टमक के बाहर कितनी देर में डाइजेस्ट हो रहा है. बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने एलेक्सिस सेंट मार्टिन पर किए. उन्हें ये पता लगा कि स्टमक वॉज चर्निंग फूड. हमारा स्टमक एक्चुअली फूड को चर्न कर रहा था, यानी और छोटे हिस्सों में तोड़ने की कोशिश कर रहा था. इट्स वॉल सिक्रीट फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड. इसकी वॉल्स से एक जूस निकल रहा है जो कि खाने को डाइजेस्ट कर सकता है. और फिर उन्होंने देखा कि स्टमक अब कहाँ पर खुल रहा है. स्टमक का एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है. और जब फूड का काम, जब हमारे स्टमक का काम कंप्लीट हो जाता है, तो वो इस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज देता है कि भाई मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम अपना काम स्टार्ट कर लो. क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किस तरीके से डाइजेशन होता है बच्चों, तो इसकी डिटेल्ड स्टडी के लिए आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एस्पायरेंट्स बैच. तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा, बॉडी के किस पार्ट में होगा, और क्या कंप्लीट डाइजेशन के बाद भी कोई प्रोसेस बाकी है. तो ये सभी जानने के लिए आप एस्पायरेंट्स बैच ज्वाइन करेंगे. हम लोग अपनी आज की क्लास को करते हैं यही फिनिश. हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स में किस तरीके से डाइजेशन होता है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में कि जिन ऑर्गेनिजम्स को हम नहीं देख सकते उनमें डाइजेशन कैसे होता है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. गुड बाय.